गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप पीछे पढ़ते आए हैं द सेवन एजेज ऑफ मैन, फोर्थ स्टैंजा देखेंगे द सेवन एजेज ऑफ मैन का, जिसको हमने राइट तो कर लिया था। कहाँ से था वो स्टैंजा? स्टैंजा था देन ए सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंथ होट्स एंड ए बियर्ड लाइक द पार्ट, जेलियस इन ओनर, सडन एंड क्विक इन क्वार्रल, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth। कि उसके बाद जो उसका जीवन है वो कौन सी अवस्था में चला जाता है? फोर्थ स्टेज में चला जाता है। और फोर्थ स्टेज में व्यक्ति को एक सैनिक के रूप में दर्शाया गया है, सैनिक के रूप में उसको ड्रॉ किया गया है, यानी उसका अभिनय है वो सैनिक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। सैनिक के रूप में होते हुए वो क्या होता है? पूर्ण रूप से अजीबोगरीब कस्मों और सौगंधों से भरा होता है, और उसका व्यवहार है वो लगभग रूडली होता है, मतलब कर्कश सा व्यवहार होता है। और छोटे से अपने क्षण भंगुर सम्मान को बचाए रखने के लिए वह लड़ने झगड़ने को तत्पर रहता है, और यद्यपि वह मौत के मुँह में ही दर्शाया जाता है। तो इसका हम लाइन वाइज एक बार देख लेते हैं क्या क्या लाइन्स हैं इसके। देन ए सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंथ होट्स, then a soldier full of strange oaths, then a soldier Then a soldier full of strange oaths and bearded like the part and bearded like the part। देन ए सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, यानी तब वह एक सैनिक के रूप में ड्रॉ किया जाता है या उसका अभिनय सैनिक के रूप में होता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, और वह किसके समान? एक तेंदुए के समान दाढ़ी रखे हुए होता है, या तेंदुए के समान उसकी दाढ़ी होती है। तेंदुए के समान उसकी क्या होती है? दाढ़ी होती है। जेलियस इन ओनर, जेलियस इन ओनर, जेलियस इन ओनर का मतलब अपने आप में या सम्मान, अपने सम्मान के प्रति वह क्या होता है? ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का हो जाता है। किसके किस प्रवृत्ति का हो जाता है? ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का हो जाता है। कैसे होता है? देखिए, सडन एंड क्विक इन क्वार्रल, सडन एंड SUDDE, सडन एंड क्विक टू क्वार्रल, सडन में डबल डी नहीं लगाया क्या? बोल सडन एंड क्विक टू क्वार्रल सीकिंग द बबल रेपुटेशन, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth। क्या बताया है? jealous in owner sudden and quick to quarrels, कि वह अपने सम्मान के लिए लोगों से ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का हो जाता है, और शीघ्र ही दूसरों से क्या होता है? सडन एंड क्विक टू क्वार्रल, सीकिंग द बबल रेपुटेशन, याद है, अपने छोटे से या क्षण भंगुर बिल्कुल से बबुले के समान दिखाई देने वाले सम्मान के प्रति या सम्मान की इच्छा में या सम्मान को चाहते हुए वो क्या करता है? लोगों से लड़ने झगड़ने को तत्पर रहता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, यद्यपि वह किस में रहता है? खतरों में रहता है या मौत के मुंह में रहता है। आगे हम देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन।
हेयर द पोइट एक्सप्लेन अबाउट द फोर्थ स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। यहाँ पर कवि ने व्यक्ति के जीवन की चौथी अवस्था का वर्णन किया है। आफ्टर ए लवर ही ट्रांसफॉर्म्स इन द रोल ऑफ सोल्जर। आफ्टर ए लवर ही ट्रांसफॉर्म इन रोल ऑफ ए सोल्जर। एक प्रेमी के बाद वह उसका अभिनय है वो एक सैनिक के रूप में परिवर्तित होता है। किसके रूप में? सैनिक के रूप में परिवर्तित होता है। ही ऑलवेज रूडली इन बिहेवियर इन हिज फोर्थ स्टेज ऑफ लाइफ। क्या बताया है? ही ऑलवेज रूडली इन बिहेवियर। वह हमेशा रूडली यानी कर्कश स्वभाव का, अपने व्यवहार में कर्कश सा हो जाता है। इन हिज फोर्थ स्टेज ऑफ लाइफ, अपने जीवन की चौथी अवस्था में वह कर्कश से या कठोर स्वभाव का हो जाता है। हिज बियर्ड लुक लाइक ए पार्ट। उसकी दाढ़ी है वो बिल्कुल किसकी तरह है? एक तेंदुए की तरह दिखाई देती है। तेंदुए की तरह दिखाई देती है, यहाँ पे हम पार्ड की जगह टाइगर भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसकी दाढ़ी है वो किसकी तरह दिखाई देती है? लुक लाइक है पार्ड यानी तेंदुए की तरह दिखाई देती है। He is invoice for his owner. He wants respect from others to him, for him. He wants to respect from others for him. वह दूसरों के द्वारा अपने लिए सम्मान को चाहता है, यानी वह यह सोचता है कि दूसरे लोग हैं वो उसका सम्मान करें, क्योंकि वह एक सोल्जर है, वह एक सैनिक है, वॉरियर है, योद्धा है। इसलिए वह यह चाहता रहता है, या उसकी इच्छा यह रहती है कि दूसरे लोग हैं वो उसकी क्या करें, उसका सम्मान करे। ही वॉन्ट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स फॉर हिम। वह दूसरों से यह इच्छा रखता है या कामना करता है कि दूसरे लोग हैं वो उसकी क्या करें, सम्मान करे, उसका आदर करे। व्हेन ही doesn't found this, then he is quickly started quickly starts to fight
विद अदर्स और व्हेन ही डज नॉट फाउंड दिस, कि जब वह यह नहीं पाता है, देन ही इज क्विकली स्टार्ट टू फाइट विद अदर्स, तब वह शीघ्र ही क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है क्या करना, झगड़ना, दूसरों के साथ झगड़ना शुरू हो जाता है. फॉर हिज बबल रेपुटेशन, और वह अपने क्षणभंगुर सम्मान के लिए दूसरों के साथ, किसके लिए, क्षणभंगुर से सम्मान के लिए दूसरों से लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाता है. Although he is always spent his life in the mouth of डेंजर, यद्यपि वह अपना सारा जीवन है वो किसमें बिता चुका होता है, किसमें वह अपना सारा जीवन है वो किसमें बिता चुका होता है, खतरे के मुंह में या जोखिम के मुंह में बिता चुका होता है. सॉरी टू से यू ऑलवेज नहीं आएगा यहाँ पे. ऑल दो ही स्पेंट हिज लाइफ इन द माउथ ऑफ ए डेंजर, यद्यपि वह अपना जीवन है वो किसमें बिता चुका होता है, वह अपना जीवन है वो खतरों में बिता चुका होता है. दिस इज द फोर्थ स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. आई थिंक आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा जो मैंने बताया है वो समझ में आया होगा. इसमें मैंने इससे पहले आपको एक फर्स्ट स्टेंजा में एक क्वेश्चन करवाया था कि पिक आउट सिमिलीज फ्रॉम द पोएम, तो इसमें भी एक सिमिली आया है मेरे ख्याल से. लाइक द पार्ट बियर्ड लाइक द पार्ट है क्या नहीं, सिमिलीज किसी की तुलना की गई, यानी उसकी दाढ़ी की तुलना किसके साथ की गई है, एक तेंदुए के साथ की गई है. तो आपको समझ में आया, अब इसमें एक क्वेश्चन बना है. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हु इज कंपेयर्ड विद ए लेपर्ड, हु इज कंपेयर्ड विद ए लेपर्ड. क्वेश्चन है Who is compared with a leopard? Who is compared with a leopard? तो leopard किसे कहते हैं? Leopard कहते हैं तेंदुए को. किसको कहते हैं? तेंदुए का ही सिनोनिम्स है. तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, एशोल्जा इज कंपेयर्ड विद ए लेपर्ड इन द पोएम द पोइट नॉन
द पोएट डिडंट कंपेयर फुल स्ट्रक्चर ऑफ द लेपर्ड बॉडी इन द पोएम द पोएट डिडंट कंपेयर फुल स्ट्रक्चर ऑफ द लेपर्ड बॉडी बट हिज बियर्ड बट He says that a soldier's beard look like a pard या फिर इसे leopard भी बोलते हैं। तो क्या बताया है? A soldier compared with ए लेपर्ड एक सैनिक की तुलना है, वो एक तेंदुए से की है। ए सोल्जर कंपेयर्स विद अ लेपर्ड की उसकी तुलना किससे की गई है? एक तेंदुए से की गई है। इन द पोएम द पोएट डिडंट कंपेयर इस कविता में कवि ने तुलना नहीं की है फुल स्ट्रक्चर ऑफ द लेपर्ड्स बॉडी लेपर्ड्स बॉडी की। यहाँ पर इस कविता में कवि ने तेंदुए की पूरी बॉडी की संरचना का है वो संरचना की तुलना नहीं की है। बट ही सेज दैट ए सोल्जर्स बियर्ड लुक लाइक ए पार्ड या फिर लिपर्ड। वह कहता है कि एक सैनिक की दाढ़ी है या इसमें इस सैनिक की दाढ़ी की उससे तुलना की है कि सैनिक की दाढ़ी है वो बिल्कुल एक लेपर्ड यानी तेंदुए की तरह दिखाई देती है। जिस प्रकार तेंदुए के बाल उगे हुए होते हैं वैसे ही उसकी दाढ़ी भी दिखाई देती है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें यही क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, सिमिलीज आप इसमें बता सकते हो। सिमिलीज क्या है? सिमिलीज लाइक ए पार्ड। सिमिलीज क्या है? लाइक ए पार्ड। लाइक ए पार्ड। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या है? नेक्स्ट फिफ्थ स्टेंजा है उसमें क्या देखेंगे? स्टेंजा फिफ्थ है उसमें हमें बताया है फिफ्थ स्टेज ऑफ लाइफ यानी व्यक्ति की पांचवें जीवन की अवस्था के बारे में बताया है। ठीक है, तो इसको हम आगे पढ़ते हैं। And then the justice, and then the justice, उसके बाद वह एक न्यायाधीश के रूप में या न्यायाधीश की भूमिका में आता है। In Fair Round Valley, in fair round वैली, जिसका बिल्कुल सुंदर दिखने वाला गोल आकार का आगे तोंद निकला हुआ पेट होता है। विद गुड कैपन लिंस मतलब विद गुड कैपन लाइंट लाइन की अच्छे से ऐसा प्रतीत होता है कि अच्छे से नर मुर्गों का मांस खाया हुआ हो या उसने नर मुर्गों का चिकन है वो चिकन अच्छे से खाया हुआ हो उस माध्यम से उसका पेट है वो तोंद की तरह बाहर निकला
हुआ होता है। विद आइज सेवर, विद आइज सेवर, विद आइज सेवर यानी प्रखर या तीज तीव्र आंखों के साथ, जिसमें दृष्टांत दूरदृष्टिता होती है उस दृष्टि के साथ। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट की एक औपचारिक से कट किया, औपचारिक से बनावट की दाढ़ी रखता है। यदि यूँ मान लीजिए कि जो एलिजाबेथन टाइम की ऑफिशियल वर्कर्स या जो ऑफिस में कार्य करने वाले लोग होते थे, जिस प्रकार से फॉर्मल कट की दाढ़ी रखते थे, उसी प्रकार से फॉर्मल कट की, स्पेशली फॉर्मल कट की दाढ़ी रखता है। फुल ऑफ वाइज सॉज, फुल ऑफ वाइज सॉज, बुद्धिमता युक्त कहावतों से भरे हुए। एंड मॉडर्न इंस्टेंट, एंड मॉडर्न इंस्टेंस, एंड मॉडर्न इंस्टेंस यानी बुद्धिमता युक्त कहावतों से भरे हुए और आधुनिक दूरदर्शिता के साथ। आधुनिक दूरदर्शिता से और मॉडर्न यानी, मॉडर्न यानी आधुनिक और इंस्टेंस यानी दूरदर्शिता के साथ ही उदाहरणों के साथ। इंस्टेंस वैसे सीधा सा इसका हम एग्जांपल के रूप में वर्ड यूज करते हैं। फुल ऑफ वाइज सोज एंड मॉडर्न इंस्टेंस, बुद्धिमता युक्त कहावतों से और आधुनिक उदाहरणों से या आधुनिक परिदृश्य के साथ से भरा होता है या उसका जीवन इस प्रकार से रहता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इसी प्रकार वह अपना अभिनय या अपने जीवन, अपने हिस्से का जीवन यापन करता है। एंड देन द जस्टिस, उसके बाद वह एक न्यायाधीश के रूप में दर्शाया जाता है। इन फेयर राउंड वैली विद गुड कैपनलैन, फेयर राउंड वैली विद गुड कैपनलैन, विद आइज सीवर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, फुल ऑफ वाइज सोज एंड मॉडर्न इंस्टेंस, एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। हियर द पोइट डिस्क्राइब्ड द फिफ्थ स्टेज ऑफ human life after a soldier, the man transforms in the रोल ऑफ ए जज इन हिज फिफ्थ स्टेज, ए मैन बिकम फुल ऑफ wise and intelligence,
फुल ऑफ वाइज एंड इंटेलिजेंसी कि वह अपने जीवन की पांचवी अवस्था में पूर्ण रूप से बुद्धिमत्ता युक्त और बुद्धिमानी से बुद्धिमत्ता और बुद्धिमानी से भरा भर जाता है या उसके अंदर बुद्धिमत्ता आ जाती है या वह सोचने समझने को तैयार हो जाता है। हेयर द पॉइंट डिस्क्राइब्ड द टाइम ऑफ एलिजाबेथन सो ही सेज दैट ए जज हैव फुल्ली फेयर एंड राउंड स्टोमच लुक लाइक दैट as look like that he eats many male chicken। क्या बताया है? हेयर द पोइट डिस्क्राइब्ड द टाइम ऑफ एलिजाबेथन, यहाँ पर कवि ने एलिजाबेथन के समय को वर्णित किया है। सो ही सेज दैट ए जज हैव फुल फेयर एंड राउंड स्टोमच की यहाँ पर एक जज के है वो बहुत ही सुंदर और गोल बिल्कुल गोल पेट दर्शाया गया है। एज लुक लाइक बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि दैट कि ही ईट्स मैनी मेल चिकन्स की उसने बहुत सारे मेल चिकन यानी चिकन का प्रयोग किया हो। एंड इन हिज रोल ही इज फुल ऑफ वाइज एंड मॉडर्न एग्जाम्पल्स विद हिज स्ट्रॉन्ग आइज एंड इन हिज रोल ही इज फुल ऑफ वाइज एंड मॉडर्न एग्जाम्पल्स की अपने इस जीवन की अवस्था में वह पूर्ण रूप से बुद्धिमता और आधुनिक धारणों से भरा होता है अपनी प्रखर दृष्टि के साथ। एंड ही हैज विद हिज फॉर्मल कट ऑफ बियर्ड अपनी सामान्य कट की दाढ़ी के साथ एंड बाय दिस टाइप्स ऑफ क्वालिटीज
he span he spent his he acts his fifth role of life. By these types of qualities he acts his fifth role of life. अपनी इस qualities गुणवत्ता के साथ वह है, अपनी इस quality यानी गुणवत्ताओं के साथ वह अपने पांचवें अवस्था का या अपने जीवन के पांचवें role का अभिनय करता है. आई थिंक आपको ये स्टेंजा और इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा. ओके, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. गुड बाय.